नमस्ते बेटिया, मैं साहब डॉक्टर बलराज सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्यगुण, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, जयोति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। आज बच्चों जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है विडंग। तो विडंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। महर्षि चरक हैं वो भी विडंग को अकरे में प्रकरण में वर्णित करते हुए कहते हैं कि विडंग कर्मी नाम, ठीक है, कि कृमियों को हरण करने वालों में या कृमियों को नाश करने वालों में विडंग को श्रेष्ठ बताता है। उसके बाद इसलिए विडंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बॉटनिकल नेम और फैमिली इसका याद करना है, एम्बलिका रेप्स, और फैमिली है मायरिस्टेसी, ठीक है। तो एम्बलिका रेप्स और मायरिस्टेसी फैमिली आप याद कर लें। संस्कृत में इसको विडंग कर्मिग्नी या चित्रतंडुल कहते हैं, ठीक है। विडंग इसका नेम जो जनरल हम जानते हैं, क्रमिक ने इसकी प्रॉपर्टी की वजह से, और चित्रतंडुल है कि इसके जो तंडुल है या इसका जो फ्रूट पार्ट है उसके ऊपर ऐसा कुछ ऐसा लगता है कुछ चित्रित बीज होते हैं इसके, इसलिए इसे चित्रतंडुल भी कह दिया जाता है। उसके बाद जो इसका हैबिटेट है, एम्बलिका रिप्स इज फाउंड इन द हिली पार्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द सेंट्रल एंड लोअर हिमालय डाउन टू कोंकण, डेक्कन, वेस्टर्न घाट एंड साउथ इंडिया। इट इज कॉमनली सीन इन प्लेस अप टू हाइट ऑफ 1500 मीटर्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन श्रीलंका, सिंगापुर, साउथ एंड चाइना, साउथ टू इंडोनेशिया एंड सम अदर पार्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो ये इसका हैबिटेट था। केमिकल कंपाउंड्स देखें इसके अंदर, तो एम्बलिन है, क्रिसिटोल है, क्रिस्टम्बिन है, एंड बेंजोक्विनोन्स है, टैनिन्स है, एंड एसिटिक ऑयल्स। ये इसके क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है। एम्बलिन आपको वैसे याद हो जाएगा, क्रिसिटोल एंड क्रिस्टम्बिन, बेंजोक्विनोन्स, टैनिन और एसिटिक ऑयल्स के अंदर होते हैं। रसवंचक देखें उसके, तो रसगुण वीर्य विभाग और दोषकता के आधार पर देखें तो रस इसका तिक्त और कटु होता है। गुण इसका लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण है। गुण इसका लघु है, रुक्ष है और तीक्ष्ण है। वीर्य देखें इसका उष्ण होता है। विपाक इसका कटु होता है, और दोषदंता देखिए तो कफ वात शामक है ना, कफ वात शामक इसकी दोषदंता होती है। एक्शन देखिए तो कमिग्ने इसका एक्शन है। फिर इसकी कार्मुकता देखिए, कर्म देखिए, इसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देखिए इसकी, तो कमिग्ने है जंतुग्न एंड कुष्ठग्न, ठीक है, जंतुग्न और कुष्ठग्न। कमिग्ने है जो ज़्यादातर इंटेस्टाइनल वॉर्म्स है उनके लिए ये वर्ड याद आ जाता है कि ये उधरस्थ कृमियों को नाश करता है, साथ में जंतु का कुष्ठग्न है। तो किसी भी तरह के कृमि, चाहे वो रक्तस्थ कृमि हो, चाहे स्किन पे एक्सटर्नल हो, ठीक है, उन सब का जो कुष्ठग्न साथ में इन्होंने एसोसिएट किया है। तो कुष्ठग्न के अंदर जैसे स्किन डिजीज है, उसमें फंगल इन्फेक्शन वगैरह है, तो वो ये सब वहाँ पे भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो दीपन, पाचन और अनुलोमन, ठीक है, दीपन एज एपेटाइजर, पाचन डाइजेस्टिव, और अनुलोमन एज पाचेटिव भी थोड़ा बहुत इसका यूज होता है, यानी कि दोषों को अपने मार्ग से प्रवृत्त करवा देता है। फिर रक्त शोधक, ठीक है, तो कहीं ना कहीं रक्त शोधक मतलब ब्लड इंपरेटिव है, और कहीं ना कहीं एक कृमिग्न इसका इम्पोर्टेंट है। तो रक्तस कृमि जहाँ तक वह आचार्य ने वर्णित किए हैं, ये शायद उन पर भी काम करता है, रिसर्च का विषय है। ग्रंथि एंड ग्रंथि को साइज रिड्यूस करने में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। मूत्र जनन के अंदर इसका प्रयोग किया जा सकता है। गर्भ निरोधक का भी इसमें इसका प्रयोग होता है। वर्ण है ये, ठीक है, तो डॉक्टर स्क्रीन या स्किन पे जंतुग्न प्रॉपर्टी दिखाने या स्किन डिजीज को दूर करने की वजह से ये वर्ण भी है। आपका जो कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है, उसको भी ये इम्प्रूव करता है। फिर कुष्ठग्न प्रॉपर्टीज के अंदर है, रसायन का ये काम करता है, नाड़ी बल्य है, ठीक है, आपके जो नर्वस सिस्टम है उसको ये थोड़ा इम्प्रूव करता है, और थोड़ा टॉनिक के रूप में काम करता है। और सिरोविरेचन है जो ना ऐसे कहते हैं ना, नासा इसे सुधारा, तो नासा के थ्रू ये कफ कफ को एक्स्ट्रा कफ को या शिरागत दोषों को बाहर निकलता है। फिर आती है रोग, कौन कौन से रोगों पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो कृमि नाशक है उनके वजह से कृमि रोगों में, ठीक है, और स्पेशली गंडोपद कृमि के लिए इसका प्रयोग किया गया है, तंतु और गंडोपद दोनों के लिए, यानी एस्केरिस के लिए भी और टीनियस ओमियम के लिए, दोनों का आप के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर अग्निबाण है, अजीर्ण और गोमर, ठीक है, जैसे दीपन प्रॉपर्टी बताई गई थी, ठीक है, पाचन थी और अनुलोमन प्रॉपर्टी, तो अग्निबाण में, अजीर्ण में और गोमर में इसका प्रयोग आप करा सकते हैं। उदरशूल, आदिमान के अंदर इसका प्रयोग हो सकता है। आर्ष रोग में इसका प्रयोग हो सकता है। मस्तिष्क दौर्बल्य और नाड़ी दौर्बल्य, मस्तिष्क दौर्बल्य में और नाड़ी दौर्बल्य इसका प्रयोग हो सकता है। वात व्याधि, अपस्मार एंड अर्श एंड पक्षाघात, ठीक है, आक्षेप, ठीक है, जितना भी इसको आपने अभी देखा कि नाड़ी दौर्बल्य इसका प्रयोग होता है, तो जितने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, चाहे वो अपस्मार हो, आक्षेप हो, पक्षाघात हो, ठीक है, आप वहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं।
इसके पश्चात अगर हमें एक तो कृमि दंत और दंत शूल जो दंतगत व्याधियां हैं इसके अंदर कृमि दंत के अंदर और दंत शूल में भी विडंग का प्रयोग किया जा सकता है। चारों रोगों में स्किन डिजीज में हम कुष्ठ प्रॉपर्टी होने की वजह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जीर्ण प्रतिशाय ठीक है, शिरोविरेचन के अंदर इसको रखा है, शिरोविरेचन में इसका प्रयोग करा बताया गया है। तो जीर्ण प्रतिशाय है जहाँ कफ दोष की अधिकता होती है या कफ से पूरी तरह आलिप्त हो जाता है या कफ पूर्ण रूप से भर जाता है आपके साइनस के अंदर, तो वहाँ शिरोवरेचन द्रव्य के रूप में आप इसका प्रयोग करा सकते हैं। इसके अलावा ये कामला शिरो रोगों में रक्त विकार गंडमाला और दौर्बल्य में प्रयोग किया जा सकता है। अब देखें कि इसके यूजफुल पार्ट कौन से हैं, तो इसका जो फ्रूट है ठीक है जिसे तितर तंडुल के नाम से भी जाना जाता है ठीक है, उसका प्रयोग आप सब जगह अपने पेशेंट्स को करवाएंगे। अगर इसके फ्रूट्स का आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी जो डोज है पाउडर वो 5 से 10 ग्राम की मात्रा में एडल्ट डोज आपको प्रयोग करना चाहिए ठीक है। फॉर्मुलेशन देखें, आप विडंग का प्रयोग आप अपने पेशेंट्स में करवाना चाहते हैं ठीक है, तो इसके जो मार्केट में फॉर्मुलेशन मिले बन जाते हैं वो विडंगा दी चूर्ण मिल जाता है आपको सिंपली, एंड द विडंग लोहो इजीली अवेलेबल होता है, विडंग तेल, विडंगा दी ले, विडंग क्षार और विडंगा विष्ठ, ये सभी फॉर्मुलेशन मार्केट में आपको बने हुए मिल जाएंगे। आप अपने पेशेंट्स के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस का। इसके बाद देखते हैं बच्चों धतूरा, सेकेंड टॉपिक है धतूरा और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। आपको मैंने काला धतूरा अपने जो हर्बल गार्डन में लगा है वो दिखाया भी है, तो उसकी आज थ्योरेटिकल पार्ट है वो अपन देखते हैं। तो बॉटनिकल नेम है धतूरा मेटल ठीक है, फैमिली इसकी सोलेनेसी है, आपको बॉटनिकल नेम और फैमिली याद रखनी थी, धतूरा मेटल और सोलेनेसी फैमिली। क्लासिकल नेम हम इसे धतूरा ही बोलते हैं, संस्कृत में इसे धतूरा बोलते हैं, शिव प्रिय ठीक है। शिव जी को आपने देखा होगा महाशिवरात्रि के दिन या जब भी शिव जी के पूजा अर्चना करते हुए लोगों को आप देखते हैं तो वहाँ वो उनको धतूर पत्र और धतूर फल भी चढ़ाते हैं, तो इसलिए इसी का नाम शिव प्रिय कहा गया, कनक इसे कहा गया है और उन्मत्त कहा जाता है क्योंकि कुछ कुछ इसके अंदर मद वाला या टॉक्सिक ये मैटर है ठीक है, तो उन्मत्त हो जाता है इसको लेने के बाद अगर इसकी डोज ज़्यादा हो जाए तो पेशेंट में या जो व्यक्ति इसका ग्रहण कर रहा है उसमें उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ठीक है। और दस्तूरा भी से बोलते हैं, धतूरा, दस्तूरा, शिवप्रिय, कनक और उन्माद ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखें इसका, तो फाउंड थ्रू आउट इंडिया इन वेस्टलैंड्स, वैरायटी देखें इसकी श्वेत और कृष्ण ठीक है, वैरायटी देखें इसकी श्वेत और कृष्ण है, श्वेत में धतूरा मेटल और कृष्ण धतूरा स्ट्रेमोनियम ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, धतूरा धतूरा मेटल और कृष्ण है धतूरा स्ट्रेमोनियम, दोनों वैरायटी कृष्ण और श्वेत, श्वेत और कृष्ण, श्वेत धतूरा मेटल और कृष्ण है वो धतूरा स्ट्रेमोनियम, जो अपना काला धतूरा अपन ने देखा है वो धतूरा स्ट्रेमोनियम। तो केमिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ धतूरा देखें ठीक है, तो उसके अंदर हायोसिन, हायोसाइमिन, हायोसेन, धतूरा डियोल, धतूरा लोन ठीक है। तो ये हायोसिन, हायोसाइमिन अपने ध्यान में रखना है कि ये इसके भी केमिकल कॉम्पोनेंट्स ठीक है, एल्कलॉइड्स के रूप में पाए जाते हैं, हायोसाइमिन, हायोसाइमिन और हायोसाइमिन ठीक है। जैसे हायोसाइमिन नाइगर से आप कंफ्यूज ना हो, हायोसाइन अगर धतूरा वहाँ पे है उसके अंदर भी एक केमिकल कॉन्स्टेंट होता है ठीक है। तो वेरियस पार्ट ऑफ धतूरा प्लांट्स कंटेंट हायोसाइमिन एंड हायोसिन एल्कलॉइड, हायोसिन इज द प्रिंसिपल एल्कलॉइड इन द लीव्स ऑफ, इसकी जो लीव्स है उसके अंदर हायोसिन है वो प्रिंसिपल एल्कलॉइड के रूप में मिलता है। हायोसिन एल्कलॉइड हैज डिप्रेसेंट इफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक है, डिप्रेसेंट इफेक्ट होता है हायोसिन का एल्कलॉइड। एल्कलॉइड हायोसिन इन लार्जर डोज इज ए पॉइजन दैट कैन कॉज डेलिरियम, डेलिरियम इज एक्यूटली डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड कैरेक्टराइज्ड बाय रेस्टलेसनेस, इल्यूजन एंड कोहेरेंस एंड कोमा ठीक है। तो जो एल्कलॉइड है हायोसिन ठीक है, हायोसिन इज ए लार्जर डोज ऑफ पॉइजन, अगर आप ज़्यादा डोज दे दिया है उसका एल्कलॉइड हायोसिन का तो वो एक पॉइजन के रूप में वर्क करता है और इससे डेलिरियम की स्थिति बन जाती है। डेलिरियम क्या होता है, डेलिरियम इज एक्यूटली डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड ठीक है, कैरेक्टराइज बाई रेस्टलेसनेस, इल्यूजन एंड इनकोहेरेंस ठीक है, इससे उन्माद वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है ठीक है। इसके बाद जो रस क्वेश्चन है हम वो देखते हैं, रस है इसका कषाय तिक्त और मधुर, रस इसका कषाय तिक्त और मधुर है, गुण इसका तीक्ष्ण है, वीर्य इसका उष्ण है, विपाक इसका कठोर है। रस कषाय तिक्त और मधुर, कषाय तिक्त एंड मधुर, गुण तीक्ष्ण है, वीर्य इसका उष्ण है, विपाक इसका कठोर है। दोष कर्म वात कफ शामक ठीक है, दोष कर्म का क्या, इसकी वात कफ शामक है, रस इसका कषाय तिक्त और मधुर है, गुण इसका तीक्ष्ण है, वीर्य उष्ण है, विपाक इसका कठोर है। दोष
था वात कफ शामक। फिर इसके कर्म देखें कि ये फार्मोलॉजिकल सेक्शंस क्या क्या है। वेदना स्थापन, ठीक है, क्योंकि जनरल नर्वस सिस्टम पर इसका रेडिएशन इफेक्ट है, इसलिए इसका वेदना स्थापन या एनाल्जेसिक इफेक्ट देखने को मिलता है। कफग्न और क्षार, ठीक है, कफग्न और सॉरी कासर, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इसका इफेक्ट आता है कि ये कफग्न है, कफ का नाश करने वाला है, और कासर है, ठीक है, कासर के अंदर खास के अंदर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। मदगर्णी व्यवायु विकास, ठीक है, मदगारी है, मदकारी मतलब उन्मत्त कहते हैं, जैसे आपने अभी देखा कि जो हाइड्रोसाइन इसका अल्कलाइड है वो पॉइजनस होता है, उसकी अगर डोज ज़्यादा हो जाए तो डेलिरियम की स्थिति हो जाती है, जिसमें क्या होता जाता है, रेस्टलेस हो जाते हैं, इल्यूजन्स हो जाते हैं, इनकोहेरेंस हो जाते हैं, तो इस स्टेज को क्या कह दिया जाता है, मदकारी। और वैवाही विकास इसके अंदर गुण होते हैं, ठीक है, वैवाही के बारे में और विकास के बारे में हमने पढ़ा है। वैवाही वो जो तुरंत ही डाइजेस्ट शरीर में फैल जाता है, और विकासी वो जो जाकर संधि बंधनों को ढीला कर देता है ना, तो इसके अंदर ये तीनों ही गुण हैं जो विष के गुण हैं, ठीक है। और वर्ण्य क्रांति कर है, ये वर्ण्य भी है और क्रांतिकर भी, इसका सही डोज में यूज किया जाए तो ये आपकी आभा आपकी को प्रकाशित कर देता है, क्रांतिकर होता है। त्वचा है, कंडुग्न है, ठीक है, स्किन डिजीज पे आप इसका उपयोग करवा सकते हैं अपने पेशेंट्स को। विषग्न है, खुद विष है अगर बहुत ज्यादा हो जाए, पर यदि आपकी डोज सही है तो विषग्न प्रॉपर्टी रहता है। दीपन, कृमिघ्न और जंतुघ्न प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है। इसके बाद देखिए रोगन था या रोग शामक था, तो अग्निमंदे के अंदर आप इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि ये एपेटाइजर का वर्क कर रहा है। कास वास में हमने देखा कि कफग्न है ये और स्वासर प्रॉपर्टी है, तो इसको कास और स्वास पे आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। वात व्याधियों में नर्वस सिस्टम पे इसका इम्पैक्ट है, इसलिए जितनी भी वात व्याधियाँ हैं वेदना स्थापन प्रॉपर्टीज के अंदर है, तो वात व्याधि के अंदर आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। उन्माद की स्थिति में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो जनरल नर्वस पे इसका इफेक्ट आता है वो सेडेशन में आता है, ठीक है, सेडेटिव होता है, तो उन्माद का पेशेंट है आप उसको भी ये दे सकते हैं। एंड वात रक्त और संधि वात, ठीक है, इन दोनों के अंदर भी वेदना स्थापन प्रॉपर्टी की वजह से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ज्वर हर है ये, चर्म विकार कंडोर में इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, कुष्ठ प्रॉपर्टी की वजह से। जंतु विकार, यूका लिक्षा और पादधारी, ठीक है, एक्सटर्नल जो कृमि है यूका लिक्षा, इन पे विषाक्त प्रभाव की वजह से इनके ऊपर आप प्रयोग करा सकते हैं, पादधारी पर प्रयोग कर सकते हैं। एंड विपादिका उन्माद, इनमें विपादिका में स्किन डिजीज है, उन्माद की अवस्था में देखा व्रण के अंदर, ठीक है, वर्ण हीलिंग प्रॉपर्टी भी है इसके अंदर, विषग्न है, जंगम विष में आप इसका प्रयोग करा सकते हैं। शोथ वेदना प्रधान विकारों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वात संधिवात और ग्रंथि ग्रंथि, इन सभी रोगों में आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं अपने पेशेंट्स के ऊपर, निश्चित रूप से उन्हें लाभ होगा। ट्रेडिशनल यूजेज ऑफ धतूरा, ठीक है, अब जो अभी तक पुरानी परंपराओं से जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसके अकॉर्डिंग जो धतूरे के यूज होते आए उनको देखते हैं कुछ। द सीड ऑफ धतूरा प्लांट आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, ठीक है, अभी जैसे कि हमने देखा कि इसके अंदर कुष्ठग्न प्रॉपर्टी है, तो जो लेप्रोसी के पेशेंट्स हैं उसके में धतूरा बीजों का प्रयोग किया जाता है। द लीव्स आर यूज टू ट्रीटिंग वर्म डिजीज, जो इसकी पत्तियां हैं वो वर्म्स के बारे में जंतु जो प्रॉपर्टीज वो उसको लिए उसकी वजह से इसका लीव्स का प्रयोग किया जाता है वर्म्स डिजीज। इन ट्रेडिशनल मेडिसिन द लीव्स रूट सीड्स आर यूज इन द फीवर विद कंजेशन इंसेनिटी डायरिया एंड स्किन डिजीजेस, ठीक है, फीवर है विद कंजेशन तो इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये कफ की प्रॉपर्टी भी रखता है, ठीक है, तो फीवर और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी भी रखता है, तो फीवर विद कंजेशन है तो इसके लीव्स रूट और सीड का प्रयोग कर सकते हैं। इंसेनिटी में इसका प्रयोग कर सकते हैं, डायरिया में कर सकते हैं और स्किन डिजीज में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। धतूरा हैज नार्कोटिक एक्रिडिक एनोडाइन एंटीस्पाज्मोटिक एंटीटॉक्सिक इंटॉक्सिकेटिंग एंड एमेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, धतूरा में ये सारी प्रॉपर्टीज है, नार्कोटिक भी होता है, मद्य भी उत्पन्न करता है और उन्माद की चिकित्सा भी करता है। तो इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेनी मेडिसिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर इंसैनिटी लंबेगो सियाटिका पेनफुल स्वेलिंग एंड न्यूरेल्जिया, ठीक है, तो इसके बहुत सारे ऐसे फॉर्मुलेशन हैं, ऐसी मेडिसिन है जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे फीवर की है, इंसैनिटी की है, लंबेगो है, सियाटिका है, पेनफुल स्वेलिंग है, न्यूरेल्जिया ऐसी प्रॉब्लम्स की जो मेडिसिन बनती है उसमें कंटेंट के रूप में इसे भी यूज़ किया जाता है। तो अब इसके कौन से पार्टीज होते हैं, जैसे अभी हमने डिस्क्रिप्शन में देखा कि इसके सीड्स है, रूट्स है, लीव्स है, सीड्स फूड सीड्स रूट्स एंड लीव्स हैं, ये सब प्रयोग में लाते हैं मेडिसिनल पर्पस के हिसाब से। तो अब डोज देखें हम इसकी, तो अगर पाउडर यूज़ करना है आपको उसके सीड्स का रूट्स का लीव्स का, तो 220 से 100 मिलीग्राम, ठीक है, आपको डोज ध्यान में रखनी है
क्यों? क्योंकि ये पॉइजनस प्लांट है, अगर ज़्यादा आप देते हैं तो फिर पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, कोमा में जा सकता है, रेस्टलेसनेस या दिमाग वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमें इसका पाउडर है वो 20 से 100 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं दे सकते। और इसका सर्प है या जो ऑयल है, आपको 1 to 3 ड्रॉप्स इसका उपयोग करें तो बहुत ही संभल के इसका यूज़ करना है। बाकी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर भी आप धतूरा के कुछ योग आप प्रेस्क्राइब करना चाहते हैं तो मार्केट के अंदर जो फॉर्मुलेशंस बने हुए मिल जाते हैं, तो ज्वर अंकुश रस, जो ज्वर की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, कनकासव, ठीक है, कनकासव भी फाइल्स के अंदर, फिस्टुला के अंदर यूज़ की जाती है, सूत सेकर रस अम्लपित्त के अंदर यूज़ की जाती है, लक्ष्मी विलास रस क्रॉनिक जीर्ण प्रतिक्षय की बहुत अच्छी मेडिसिन है, कनक सुंदर रस है, एकांगवी रस है, ठीक है, ये दोनों न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर दी जाती है, पुष्प धनवा रस है, वाजीकरण के लिए काफ़ी अच्छी औषध है, लघु विषगर्भ तेल है, विष तुंडुक तेल है, धतूरा तेल है, ये सभी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए वो यूज़ होने वाले तेल है, ठीक है। तो जो वातिक व्याधियां हैं, जो नर्वस डिसऑर्डर्स हैं, उसके अंदर भी हम सब इसका प्रयोग करते हैं। आयुर्वेदा तो ये काफ़ी सारे योग थे जो आप धतूरा, अगर धतूरा की प्रॉपर्टीज का अपने पेशेंट्स को लाभ दिलाना चाहते हैं तो इन सभी योगों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ज्वरांकुश रस, कनकाश्व, सूत सेकर रस, लक्ष्मी विलास रस, कनक सुंदर रस, एकांगवी रस, पुष्प धनवा रस, लघु विषगर्भ तेल, विष तुंडुक तेल, धतूरा तेल आदि। ठीक, तो आयुर्वेद क्लासीफाइज धतूरा इन ऑफिस वर्क, ठीक है, धतूरे को आयुर्वेद में ऑफिस वर्क में देखा है, तो उसका जो डोज ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ये गलत तरीके से यूज़ किया जाता है इसको, तो उसके इफेक्ट आते हैं धतूरा ऑन बॉडी या ड्राइनेस ऑफ माउथ, इंटेंस थ्रस्ट, ठीक है, एक तो मुंह का सूखना बार बार, बहुत तेज प्यास लगना, इंक्रीज हार्ट रेट, नी टैकीकार्डिया वाली कंडीशन एंड बर्निंग ऑफ ब्लरिंग ऑफ विजन विद प्रोमिनेंट माइड्रियासिस, ठीक है, वो आंखों का धुंधला हो जाना और माइड्रियासिस, ठीक है, माइड्रियासिस मतलब पुतली का फैल जाना, हेलुसिनेशंस जो चीज़ें नहीं है, तत्व अभिनिवेश वाली स्थिति की जो नहीं है वो दिखाई देना, डायलेरियम, ठीक है, डायलेरियम की स्थिति हो जाती है उसकी, एंड लॉस ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन, वो अपना बैलेंस नहीं बना पाता, विच में फर्दर लीड टू कोमा एंड अल्टीमेट टू डेथ बाई रेस्पिरेटरी, ठीक है, इससे आगे की कंडीशन हो जाए या ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा ओवर हो जाए तो आप कोमा में चला जा सकता है और रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है उसका। तो शोधन स्वेदन इन काउ मिल्क फॉर 1 प्रायर, ठीक है, अगर इसको आपको शोधन करना, जैसे आप मेडिसिन यूज़ करना चाहते हैं, मेडिसिन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले इसका आपको शोधन करना होगा, उसके लिए आपको इसका स्वेदन करना होता है गाय के दूध में 1 प्रहर, 1 प्रहर मतलब 48 मिनट के आसपास आपको इसका स्वेदन करना है, यानी कि इसके बीजों को आपको या इसका वो प्लांट को आपको दूध में उबालना है और फिर छान के इसको रखना है, ठीक है, तो इससे ये थोड़ा शुद्ध हो जाता है, तो इसके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम देखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है आपका टॉपिक, तो विडंग और धतूरा ये दो प्लांट हमने देखे, दोनों ही आपके सिलेबस के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके प्रिस्क्रिप्शन पे भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखेंगे दोनों, और दोनों अपने अपने प्रॉपर्टीज़ के अंदर काफ़ी श्रेष्ठ प्लांट है, ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से याद करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्रैक्टिस के लिए भी आप ध्यान रखें कि कौन कौन से फॉर्मुलेशन इनके आते हैं, ठीक है। तो बच्चों, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस टॉपिक को समझा होगा काफ़ी अच्छे से, फिर भी आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो, किसी तरह की क्वेरी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स और आप मुझे क्लास में पूछ सकते हैं, आई विल रिजॉल्व इट सो। थैंक यू।